लेकिन अभी तो मतलब कांडा जी का पड़ा भारी लग रहा है। ये शहर का विकास करते हैं, सब कुछ करते हैं ये। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजी न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ उमन, इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा। आपको बता दूँ कि चुनावों का बिगुल जो है बज चुका है, विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। 5 तारीख को मतदान होगा, वहीं 8 तारीख को मतगणना की जाएगी। आज जनता से चर्चा करेंगे किस तरह का माहौल वो देख रहे हैं, क्या कुछ विशेष है और क्या कुछ मुद्दे लेकर वे चल रहे हैं, और किन मुद्दों को लेकर जो है जो राजनीतिक नेता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हम जनता से बातचीत करेंगे कि वो किसे चाहती है, किसे सिरसा का विधायक बनाना चाहती है। आइए जनता से करते हैं बातचीत। जी आपका नरेश कुमार। किस तरह का माहौल देख रहे हैं सर सिरसा? माहौल बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। एक तरफ सारा रुझान है जी, सारे कांडे का रुझान है। ये कांडा जी अच्छे अच्छे काम कर रहा है, कोई इतने बड़े काम तो कोई कर नहीं रहा, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। इतने शहर में लोगों के दर्शन करा दिए, इतने बड़े बड़े बाबा को बुला के। बस नेता तो और भी बहुत हुए हैं, किसी ने आज तक किसी को बुलाया नहीं। गौशाला में तो ये पूजा धार्मिक काम में अगला साथ देता है जी। विकास हो ही रहा है जी, जैसे कर रही है सरकार वैसे विकास हो रहा है। सरकार में होता तो इसका ज़्यादा विकास होता, सरकार में था नहीं है। हमारी तरफ से तो कांडा जी परफेक्ट है, क्योंकि ये विकास कार्यों में भी सबसे आगे हैं। अब जिस हिसाब से विकास हो रहा है सिरसा में, उसी हिसाब से परफेक्ट है ये हमारे लिए। और का ये संस्कृत कार्य में भी, और ये जो कथा वगैरह करवाने में भी, सारे साधु संतों के दर्शन करवाने में, पब्लिक की सेवा करने में बहुत अच्छी है। तो हमारी तरफ से तो इन्हीं का जोर है सिरसा में, और यही आने चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अतुल है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं सर? माहौल अपने हरियाणा में सबसे बढ़िया फाइट इलेक्शन सिरसा का ही है, पर लास्ट में ऐसा मन कर रहा है कि कांडा जी ले जाएंगे सीट। देखो कारण तो क्या कहें, कारण वशिष्ठ हैं, सिरसा के बढ़िया है, मान लो सारी कच्चे अच्छे हैं, धार्मिक प्रोग्राम करते हैं ये, शहर का विकास करते हैं, सब कुछ करते हैं ये। विकास कार्य तो जी देखो, कुटिया में सारा दिन प्रोग्राम चलते हैं, धार्मिक चलते हैं, कहीं भी धर्मशाला की बात हो, कहीं भी कुछ भी हो, तो वो खर्चा करने से पीछे कभी भी कहीं भी नहीं हटते हैं। तो मन की आवाज़ ये है, वैसे फाइट है, पर लास्ट में मन ये कहता है कांडा जी लेके जाएंगे। इस ये कांडा जी के पक्ष में होगा, पक्ष में होगा। देखो जी वैसे तो शहर में ठीक है, बाकी किसी के मन की पूरा नहीं कर सकते, किसी का मन का पूरा नहीं कर सकते आप। वैसे कोई दिक्कत नहीं है शहर में, सारी बातें अच्छी है। देखो वोट तो फाइट है, फाइट है। देखो चाहे हार जीत तो चाहे एक वोट से भी हो, पर जीत जीत ही होती है, बस यही बात है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरिकृष्ण मित्तल है जी। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है जी, अच्छा बना हुआ है शहर के अंदर, कोई किस तरह की कोई कमी नहीं है। धार्मिक कार्य बहुत हो रहे हैं, कांडा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जीतने की उम्मीद उनकी पूरी है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। फर्क तो पड़ता ही है इसमें, जैसे मान लो अपने वोट भी हो गए और दूसरी पार्टियों के वोट भी हो गए, उसका फ़र्क तो पड़ता ही है। कार्य भी काफ़ी हुए हैं जी, और आगे और भी होंगे। जैसे वाटर वाला भी उन्होंने लगाया है, 250 करोड़ रुपए का लगाया, उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा है लोगों को, और भी काफ़ी काम हो रहे हैं, और भी होंगे जी। काम तो ये करते रहे, वैसे भी करता रहता है, ये दुख सुख में काम आता है लोगों के। जैसे कोई ब्याह शादी है और है, सभी में जैसे शो करता है, कोई भी चला जाए इसके पास उसकी सहायता करता है, ऐसी बात नहीं है। अब एक बंदे किसी को 5 लाख रुपए का चेक काट के दिया था इसने, और मतलब वो इतना बीमार था, उसका इलाज कहीं नहीं था, फिर भी इसने उसकी पूरी हेल्प की थी। सुख दुख का साथी है जी। हाँ, दुख सुख का साथी है जी, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है जी आप? राजकुमार। किस तरह का माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया है, और वोटों में हलचल पूरी है, और कांडा जी का पूरा नाम है सरसा के अंदर, और वोट में सबसे आगे हैं। काम में भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नेक कामों में की पूरी वो है। विकास कार्य बहुत करे हैं इन्होंने, जैसे सड़कों, जैसे मल्लों में जाकर काम कराने हैं, सीवरेज के काम, या कोई भी जैसे कोई जिसी का लेन देन है, सब करवाया काम, शाम काम बहुत बढ़िया, और वे सल्दी से बढ़िया किया है, अब तक यहाँ बढ़िया करते आ रहे हैं। इस टाइम तो कांडा जी का ही आगे आ रहे हैं जी। तीनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा? हाँ, पूरा पड़ेगा जी। धार्मिक कार्य भी करते रहते हैं? हाँ, धार्मिक काम में तो बहुत ही नेक काम है इनके, ये काम में हर वक्त आगे रहते हैं। मेरा नाम अजय गगर जी। क्या किस तरह का माहौल नजर आ रहा है सर?
ठीक है जी, देखो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, पूरा है अपने लोग, लेकिन अभी तो मतलब कांडा जी का पलड़ा भारी लग रहा है लो। क्या कारण मानते हैं क्यों पलड़ा भारी लग रहा है? एक तो ये देखो, ये मेरे धार्मिक कामों में आगे रहते हैं लोग, और शहर में मान संतों के मतलब बहुत किस्मत से दर्शन होते हैं जो इन्होंने करवाए हैं। देखो ये लो भी हर साल किसी न किसी मतलब बुलाते रहते हैं। विकास कार्य भी किए हैं इन्होंने? हाँ जी हाँ जी। क्या विकास कार्य हैं जो इन्होंने? देखो एक तो हमारे यहाँ पे मतलब सीवरेज लाइन है, मतलब जो बड़ी जो पानी इकट्ठा होया करता वो लाइन डली है लो, और हमारी अग्रसन कॉलोनी के अंदर भी लाइन डली है, पहले पानी इकट्ठा होया करता वहाँ पे, अब आजकल वहाँ पे नहीं इकट्ठा होता, पानी जल्दी निकल जाता है वहाँ पे। तीनों पार्टियों का गठबंधन भी हुआ है, इनेलो बीएसपी। हाँ जी, तो क्या कहीं ना कहीं प्रभाव नजर आ रहा? हाँ बिल्कुल, अपने कुछ तो मतलब फर्क पड़ेगा ये मतलब कि इन लोग पार्टी का भी गांव में देखो पूरा आधार है लो। कितने वोटों से हार जीत मानते हैं? इस बारे में तो कोई नहीं कह सकता मैं, लेकिन आज के दिन तो देखो कांडा जी का थोड़ा सा चल रहा है लो।